हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन एयर बैक विद अ वीडियो। तो आज के हमने सीरीज की वीडियो नंबर 57 पर, जहां पर अपना अकाउंटिंग रेशियो जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले। अब नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने दो थ्योरी पार्ट जो चैप्टर थे उनको स्किप करवा दिया। स्किप इसलिए करवा दिया कि जो पहले न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके थ्योरी वाले पार्ट की तरफ चलते हैं ना। तो देखिए भाई, चैप्टर शुरू करने से पहले रेशियो देख लेते क्या होते हैं। बता रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन टू नंबर विच शो हाउ मच बिगर वन क्वालिटी इज देन अनदर इज नोन एज रेशियो। बता रहे हैं बेसिकली, दो नंबर्स के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं कि एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा या छोटा है, उसको हम लोग रेशियोज कहा करते हैं। अभी कंपैरिजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है रेशियोज के फॉर्म में, 2:1, 3:1 इस तरीके से हो रहा हो सकता है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, 2/4, 3/4, 1/4, 7/8 किसी भी फॉर्म में हो रहा हो, टाइम्स के फॉर्म में हो जाए कि पहला वाला दूसरे से 4 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में हो कि 5% प्रॉफिट, 10%, 50%, 100%, 200% प्रॉफिट आ रहा है, तो इस तरीके से हो सकता है परसेंटेज, फ्रैक्शन या फिर किसी भी फॉर्म में, उन तभी तरीकों को हम लोग रेशियोज कहा करते हैं। और ये रेशियोज जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म के बेसिस पर निकालते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स यानी कि एसेट के बेस पे, लाइबिलिटी के बेस पे, डेप्टर क्रेडिटर्स के बेस पे निकालते हैं, तो हमको अकाउंटिंग रेशियोज कह देते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशियोज। कि रेशियोज को जब हम लोग अकाउंटिंग टर्म के बेस पर निकालते हैं, उनको अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली 4 तरीके के रेशियोज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेन 4 तरीके के रेशियोज कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, या फिर उसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, अगला सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा वाला एक्टिविटी रेशियो, और फोर्थ वाला कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या फिर कह लो इनकम रेशियो दूसरा नाम। ठीक है भाई, ये 4 तरीके के रेशियो हैं। अब इन 4 तरीके के रेशियोज के अंदर भी उनके सब पार्ट्स दे रखे हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे लाइन से लिख दिया है सबको, है ना। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, लिक्विडिटी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म रेशियो। ये भाई रेशियोज इसलिए निकाले जाते हैं कि ये देखने के लिए कि कंपनी जो शॉर्ट पीरियड है, करंट पीरियड चल रहा है, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। मतलब कि शॉर्ट पीरियड या फिर करंट ईयर, मतलब कि बता रहे 12 महीने, आने वाले 12 महीने यानी कि एक साल में कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या परफॉर्मेंस रहेगी, कि आने वाले टाइम में कंपनी के एसेट्स कैसे हैं, लाइबिलिटी कैसी हैं, है ना, वो पे कर पाएगी लाइबिलिटी या नहीं कर पाएगी, उसकी पोजीशन क्या है, वो देखने के लिए हम लोग ये लिक्विडिटी रेशियो या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, और इसमें 2 तरीके रेशियो जाते हैं, करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरा रेशियो कौन सा है? क्विक रेशियो कह लो, लिक्विड रेशियो कह लो, या फिर एसिड रेशियो कह लो, तीनों एक ही के नाम है। ठीक है भाई, तो ये 2 तरीके के रेशियोज हमारे लिक्विडिटी रेशियो में निकालने पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे दूसरा रेशियो है सॉल्वेंसी रेशियो। ये होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, ये होता था शॉर्ट पीरियड के लिए 12 महीने के अंदर की बात, ये 12 महीने के बाहर की अगर बात करेंगे, लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे नॉन करेंट की, तो सॉल्वेंसी रेशियोज कि लॉन्ग पीरियड में अपनी कंपनी कैसे खेल रही है, लॉन्ग पीरियड में कंपनी की क्या पोजीशन रहने लगी, क्या कंडीशन है लॉन्ग पीरियड में, कि लॉन्ग पीरियड में वो डेप्ट पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो डेप्ट पे कर पाएगी कि नहीं, उसके एसेट क्या रहने वाले हैं, कितना उसका खुद का पैसा है कंपनी का, कितना उसने लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसकी, डिबेंचर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपनी सॉल्वेंसी रेशियो में आने वाली हैं। फिर अगला एक्टिविटी रेशियो, नाम से क्लियर है कि कंपनी की एक्टिविटी के हिसाब से उसका क्या क्या चल रहा है, कि भाई कॉस्ट वगैरह क्या लग रही है, डेप्टर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, ये सब कितना आने वाला है, तो इसके लिए आता है एक्टिविटी रेशियो। क्लियर है। फिर अगला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो, ये भी नाम से क्लियर है भाई, कि भाई प्रॉफिट का क्या रेशियो चल रहा है, कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आ रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए कि भाई प्रॉफिट या फिर रिटर्न खर्च के लिए क्या क्या आने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें इसमें निकलने वाली है। ठीक है, बस ये 4 तरीके के बेसिकली रेशियो होते हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे, बस हम लोगों ने यही देखा है कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीके के रेशियोज हुआ करते हैं। पहले में निकालते हैं करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, या फिर क्विक रेशियो, एसिड रेशियो या लिक्विड रेशियो, ये सारी चीज़ें पहले वाले में फाइंड होती है। दूसरे रेशियो में ये 4 तरीके की चीज़ें कौन कौन सी, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो निकाल लेते हैं। तीसरा कौन सा है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना सीखेंगे। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये चारों आ जाते हैं हमारे बी पार्ट यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। फिर सी पार्ट वाले रेशियो के अंदर, एक्टिविटी रेशियो के अंदर कौन कौन से होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम है। ठीक, दूसरा कौन सा, डेप्टर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा वाला कौन सा है, क्रेडिटर और पेएबल टर्नओवर रेशियो, वो रिसीवेबल था ये पेएबल है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है चौथा वाला, इसी में इधर आ जाओ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें 5-5 निकालने पड़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थोड़ा सा ही चेंज है, ध्यान रखना इनका, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर आरओआई शॉर्ट में लिख लो।
ठीक है, ये पांचों तरीके की चीजें इसमें निकाली जाती हैं। तो बेसिकली इतने तरीके के जो फॉर्मूलेज हमको देखने पड़ेंगे चैप्टर में। तो ये सारे चीजें जो रेशियोज हैं इनके फॉर्मूलेज सबके लिखवाए जाएंगे कि करके टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आज इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे हटाते हैं, अपना पहले वाला जो रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, उसके दोनों के दोनों फॉर्मूलेज के देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्मूले फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं फॉर्मूले, कैसे निकाली जाएंगी चीजें, है ना। चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं सारा। तो देखिए भाई, आवाज़ मेरी थोड़ी खराब आ रही है, तो प्लीज़ उसके साथ मैनेज करिए, थोड़ा सा गला खराब है ना। चलिए देखते हैं, पहला है अपना करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो, करंट रेशियो निकालना है। तो भाई करंट रेशियो के लिए निकालेंगे हम लोग पहले करंट एसेट। क्या निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे करंट एसेट। अब हमको करंट एसेट पता होंगे, नहीं पता है तो हम लोग उसको भी अच्छे से देखेंगे क्या होता है करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिन एसेट्स को हम लोग अगले 12 महीने में बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एसेट जिनको आने वाले 12 मंथ्स के अंदर ही के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, 11th में सीखा था, ठीक है। इसके बाद अपॉन करंट एसेट अपॉन लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। क्या लिखने वाले हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट बताया भी हमने, करंट एसेट वो एसेट कि जिन एसेट्स को बेच के 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो आने वाले 12 महीनों में हमें पे करने पड़ेंगी। करंट एसेट जो 12 महीने में हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, करंट लाइबिलिटी जो आने वाले 12 महीने यानी कि शॉर्ट पीरियड में पे करनी पड़ेगी। ये होता है अपना फॉर्मूला इसका, करंट एसेट करंट रेशियो का, क्या करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी में आती है, ये सारी चीजें मैं अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। क्वेश्चन लगाते लगाते वो सारी चीजें सीख जाएंगी, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ये चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ये क्या है, क्विक रेशियो, एसिड रेशियो, लिक्विड रेशियो, तीनों इसी के नाम होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्विक रेशियो निकालने के लिए कह दिया, एसिड रेशियो निकालने के लिए, तीनों एक ही के नाम है, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, एक ही के नाम है तीनों। तो भाई निकालने के लिए इसके सबसे पहले चाहिए होंगे लिक्विड एसिड या फिर क्विक एसिड या फिर एसिड एसिड, ठीक है। तो इसके लिए ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, तीनों चीजें नहीं, वो तीनों चीजें होती एक ही हैं, नाम उसके तीन तीन हैं, ठीक है। देखिए चाहे आप उसको लिक्विड एसिड लिख लो, चाहे क्विक एसिड लिख लो उसको, चाहे एसिड एसिड लिख लो, ठीक है। इसको हम लोग लिक्विड एसिड लिख रहे हैं क्योंकि बुक्स में दे रखा है, इसलिए लिक्विड एसिड लिख रहे हैं, अच्छा भी लगता देखने में। तो लिक्विड एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटी, सेम फॉर्मूला है, ऐसे करंट एसिड की जगह बस लिक्विड एसिड लिख देना है, क्या लिक्विड एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है भाई। अब करंट लाइबिलिटीज हमको पता है क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज वही लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर पे करनी है हमको। लिक्विड एसिड कौन से होते हैं, लिक्विड एसिड वो एसिड होते हैं जो कि हम लोग तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से एसिड, जो कि तुरंत ऐसे चुटकी हो जाते हैं कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमारे लिक्विड एसिड होते हैं। पर जो एसिड नहीं कन्वर्ट हो सकते वो हमारे नहीं होते लिक्विड एसिड। तो हमें पता है भाई करंट एसिड 12 महीने के अंदर होते हैं कन्वर्ट, पर इनमें से जो एसिड लिक्विड एसिड नहीं बन सकते हैं, जो कि हमारे तुरंत कन्वर्ट नहीं होते, उनको इसमें सड़ा दो तो हमें लिक्विड एसिड पता चलता है। मतलब कि बता रहे हैं कि हमारे पास करंट एसिड होंगे, करंट एसिड्स होंगे हमारे पास, इतनी चीज क्लियर है। इसमें से क्या क्या हटा दें, वो एसेट्स जो कि कैश में हाल फिलहाल में नहीं कन्वर्ट सकते हैं, कौन कौन से, जैसे कि इन्वेंट्रीज हो गई, क्या हो सकती है हमारी इन्वेंट्रीज हो गई। अब इन्वेंट्रीज मतलब कि जो हमारे पास सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, जो सामान हमारे पास रखा हुआ है बेचने के लिए, तो इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए अभी टाइम लगेगा, पहले ये सामान बिकेगा तब उसका पैसा आएगा, तो पता नहीं कब बिकेगा, ठीक है। तो ये सारी ये इन्वेंट्रीज जो होगी ये हमारी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, तुरंत ऐसे चुटकी बजाते हैं, तो ये हमारी लिक्विड एसिड नहीं है। तो करंट एसिड में से इनको हटा दिया, इन्वेंट्रीज को, और क्या नहीं हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस कर दो, क्या प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने हटा दी, कौन कौन सी, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि ये दोनों जो थे हमारे जल्द ही कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इन्वेंट्रीज बेचनी पड़ेगी तब वो कैश में कन्वर्ट होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस पहले से ही पैसा दे दिया अब वो पैसा वापस थोड़ी ना आ रहा है, तो ये दोनों कैश में चुटकी वजह से कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, बाकी सारी चीजें हो सकती थी। तो करंट एसेट में से इनको हटा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा एसेट, लिक्विड वाला एसेट कितना आ रहा है, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स हमारे निकल आएंगे, क्लियर है जी।
ठीक है। तो ये लिक्विड एसिड्स आ गए, लिक्विड एसिड आ गए, फॉर्मूले में पुट करो, करंट लायबिलिटी हमें बताइए कौन सी थी, ठीक है, उनको सॉल्व कर दो और आंसर आ जाने हैं। तो भाई अपने लिक्विड रेशियो में सिर्फ यही दो तरीके के रेशियोज थे, कौन कौन से, करंट रेशियो था और ये लिक्विड रेशियो था, इनके जो फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसी और रेशियोज में पहुंचेंगे, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रह गया, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी है ना। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।